another day, another start. We are going back to Leh from Hanle. आज स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करी, ये भी कर रही है, एंड हम दोनों भी नॉट फुली फिट, बट पूरा ऑफ कर दो इग्निशन. सो दिस इज़ हॉलीडे इन होम स्टे, लिखा हॉलीडे इन सबसे ऊपर, एंड या फील्स गुड. ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. वी आर ऑलमोस्ट एट द एल्टीट्यूड ऑफ खारदुंग ला 2 दिन से, तो समझ सकते हो जब वहाँ पे 5-10 मिनट के बाद बुरा हाल हो जाता तो यहाँ क्या होगा. सो एक बार बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं एंड देन व्हील. अभी चार्जिंग से भी हटा दो फ़ोन. ऊपर से डालो बिल्कुल. One eternity later. After lot of मशक्कत GS हमने स्टार्ट कर दी. ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी. सेल्फ में इसने भी दिक्कत दी, बट एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई, वो पूरा प्रॉपर सेल्फ में नहीं हुई, अजीब तरीके से हुई बट हुई. सो गुड जॉब गुस्सा. लेके प्रभु का नाम वापसी की यात्रा शुरू करते हैं एंड वी आर रेडी टू रोल. ये ट्रिप हर तरीके से यादगार रहेगा. चलिए, आपको ऐसी बढ़िया स्मूथ रोड मिलेगी और वो पिछले एंड के 4 किलोमीटर जो होटल की तरफ जाता है वो अभी बना नहीं है, तो वो आपको पूरा पत्थर बजरी से भरा हुआ मिलेगा. चलो आ जाओ आगे. ओके, हम न्योमा के पेट्रोल पंप पे आ गए हैं. ये लेह से 180 किलोमीटर है शायद, 180-90, और हानले से 80. हाँ, और 2 दिन जिंदा लाश की तरह रहने के बाद इस शरीर में थोड़ी आवाज़ आई है. अच्छा लग रहा है. मुझे नहीं लगा था मुझे धूप देख के इतना कभी अच्छा लगेगा. बूसा की एवरेज आ रही 17.6. वेरी गुड. 28. ओहो ओहो प्रभु. ऐसी रोड मजेदार, मजा ही आ जाए. दिल्ली तक खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं. इतनी शानदार रोड है. लेफ्ट में पानी है, इधर पहाड़ है, ठंड का मौसम है, टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री, फील्स लाइक 4 और 5 क्योंकि ऑब्वियसली बाइक पे चल रहे हैं. और मतलब रोड की क्वालिटी देखो, ये है लद्दाख. एंड टू एंड रोड है हर जगह. पहले होता था एक टाइम पे कि रोड्स नहीं होती थी, बट एज ऑफ टुडे उमिंगला तक यू हैव रोड्स. और ये देखो, बस जो पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं उसको साफ़ करने के लिए भी साथ के साथ ही एफर्ट्स चल रहे हैं. सो इधर नदी आएगी थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ी सूखी भी है कभी कभी बीच बीच में. सो ब्रिलियंट मैन. एंड ले टू हानले 270 किलोमीटर शायद, अभी 160 के आसपास रह गया है. रोड्स ऐसी ही हैं, कोई भी बाइक आ सकती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी गाड़ी आ सकती है. उमिंगला इज़ बिट टफ फॉर श्योर, क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स हैं और बहुत ही एकदम से स्टीप इंक्लाइन है. एंड एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, 19,024 फीट. सो बट फील्स अमेजिंग, फील्स लाइक वी हैव डन समथिंग. तो जस करण भाई हमारे साथ आए, मज़ा आ गया। मैं इनिशियली तो मैं अकेला ही था, फिर मैंने भाई को बोला, मैंने कहा यार मूड है जाने का, चलोगे? भाई ने पूरा साथ दिया है। एंड वी फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारा डाटा करप्ट हो गया। आई एम नॉट श्योर जब मैं घर जाके उसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा वो फिक्स होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ ये होता आया हमेशा से, सो नथिंग न्यू फॉर मी। मूड ही ख़राब होता है कि इतना तुमने एफर्ट किया, इतना व्लॉग किया, एवरीथिंग इज़ वॉश्ड आउट ना। बट चलो, उमिंगलाक टॉप की जो फुटेज है वो मैंने नए मेमोरी कार्ड को वहाँ पे इंसर्ट किया। देन वी हैव दैट, वी हैव दिस एंड अमेजिंग। वेडिस्टियन टायर्स आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली गुड। अबाउट दी वेडिस्टियन टायर्स, भाई मेरे को तो अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। एक जगह भी कोई इशू नहीं आया, कोई स्लिप नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि ग्रिप ना पकड़ रहा हो। इट्स बीन डूइंग एक्सेप्शनली गुड, मतलब बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही है। एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर रोड ट्रिप्स ऑन दीज टायर्स। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय वन, जस्ट गो फॉर इट। मतलब यार उमिंगला तक तुम्हारे भाई ने चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और भूसा पे किया है, तो सोचो। कुछ नहीं लगी, कहीं नहीं लगी। चलो, बाइक को भी लगी, आपको तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं लगी, मिट्टी में थी। पीछे करके निकालेंगे, आगे करके निकालोगे, बताओ? 3, 2, 1। हाँ, उधर से ऐसे करके उठाओ, इधर से मैं खींचता हूँ। 1, 2, 3। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। चलो रोक लो। अब यहाँ से आ गई, बस रोक लो ही। चलो, कुछ नहीं हुआ। चलो चीते, नींद तो नहीं आ रही ना? हेलमेट उतार के ना पानी पी लो। यहाँ से लॉक हो गए ना, लॉक होके ओके, फिर भी बच गई, नहीं तो घुसती इसमें। चीते, यहाँ पे कुछ कुछ कट्स ऐसे हैं जो एकदम से मुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि भाई अभी तो मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, और एकदम से खत्म हो जाता है टर्न। ओह, फाइनली वी आर बैक इन ले। 3 किलोमीटर रह गया है। ले ले क्या कर रहा है? आपका उमिंगला करने के बाद ले में वापस स्वागत है। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर दिया है वीर जी ने हमारे साथ इस बार। 4 घंटे में हानले से ले, ये वीर जी के राज में ही हो सकता था मुमकिन, हमने कर दिखाया है। सो दिस इज आवर होटल ग्रैंड विलो। बाय बाय, बाय बाय। साढ़े 3 बजे निकले सी। अगर हम उसी टाइम निकल गए थे ना, अब हम कारगिल पहुंचने वाले होते। सोचो मेरी बात, सोचो। हाँ, घर वापसी ऑफिशियली तो वैसे ही हो गई थी शुरू, नहीं, बट या आज रात कष्टी लामायूरू। ये क्या कर रहा है? ये जो लेफ़्ट में चल रही है दीवार, ये एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट। और मेरे को लगता है लंच के बाद कोई भी, मतलब 1-2 बजे के बाद शायद ही कोई फ़्लाइट लैंड करती है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। और सिटी से ले एयरपोर्ट 4 किलोमीटर दूर है, और कभी भी यहाँ मौसम ख़राब हो जाता है तो कभी भी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। कुछ जो लैंड कर जाते हैं वो उड़ नहीं पाते, जो उड़ जाते हैं वो लैंड नहीं कर पाते। यहाँ का कुछ ऐसा सही है। और जब लेक के लिए आते हो ना, वो फुटेज तो खैर सारी ख़राब हो गई है। तो ऊपर से एक व्यू दिखता है जिसमें ये सारे पेड़, बीच में पानी और इधर लेप सिटी पूरा दिखता है। सो वी आर नाउ गोइंग टू लामायूरू। आज रात का स्टे अपना है लामायूरू, ताकि कल को हमारे 2 घंटे राइड के कम हो जाए। भाई साहब विंड ब्लास्ट में मजे दे रखे है, यहाँ से कहाँ। पत्थर साहब, यहाँ पे आप कभी आओ दर्शन जरूर करना। तो जब आप लेह से बाहर निकलते हो ना, तो आता गुरुद्वारा पत्थर साहब और मैग्नेटिक हिल। अभी आपको मैग्नेटिक हिल दिखाते हैं। मजाक, वाह। You know I don't play right. Just give me the word, right? तो जी गाइज, वेलकम टू मैग्नेटिक हिल। वो जो देख रहे हो सामने वाली, वो है मैग्नेटिक हिल। और यहाँ पे अब पूरा वो कर दिया, इसको क्या कर दिया, कमर्शलाइज, रेनोवेट क्या बेकार हो गया। इतनी भीड़ भाड़ हो गई, देखो यहाँ दुकानें शुकानें बन गई है। दिस इज़ मैग्नेटिक हिल। अब यहाँ आते हो, ये रहा मैग्नेटिक हिल का बोर्ड, फोटो खिंचवाते हो। पहले तो नीचे भी उतर सकते थे हम थोड़ा सा, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ये है मैग्नेटिक हिल सामने वाली, बस यही है। इसकी तरफ आप खींचे चले जाते हो। ये अगर नीचे कुछ दिख रहा हो तो ये है संगम व्यू पॉइंट। ये दैट इज संगम व्यू पॉइंट। Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? Wow. Now this is what we call roads. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. लामायूरू 30, ड्ज़ोजिला 212। The moonland of India, the लामायूरू। ये देख रहे हो पहाड़, वाह 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 वाह। मेरा व्लॉग उल्टे चल रहा है एक्चुअली, उमिंगला से चल रहा है। मैं उमिंगला से शुरू करा व्लॉग करना, शुरू का सारा ख़त्म हो चुका है हमारा डाटा। सो दीज आर द रॉक्स विच आर सेड टू बी द मून लैंड ऑफ इंडिया। जब अरे आज फुल मून तो नहीं है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मज़ा सा आ जाएगा एकदम। एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ मून लैंड। देखो वाह, शानदार, ब्यूटिफुल। यहाँ तो सूरज देवता का प्रकोप अभी भी है। यहीं रुक के हमने फोटो खींची थी, जो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी। एंड ये है द मून लैंड, भाई साहब गजब। चीता, चीता मेरे साथ आया, चीते ने कमाल करवा दिया भाई। ओके तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा होटल विद पार्किंग। मन में मुझे बहुत गालियां पड़ रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं।